हेलो क्लास इलेवन स्टूडेंट्स। तो मैं शेषन कुमार जो आपको आपके यूट्यूब चैनल शेषन जहाँ में वेलकम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना आपका ही चैनल चैनल का नाम शेषन जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक्सरसाइज 3.3 का मैंने क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 करा रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं 11 to 15 कराऊंगा, ध्यान देना, बहुत ईजी से होगा, बहुत आराम से होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी मेरे बारे में, क्वेश्चन के बारे में। तो देखो आपको यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन इलेवन कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस में कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो क्या आपका कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट, आराम से बता सकते हो कौन सा, कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो कॉस ए माइनस कॉस बी, LHS लिया आपने, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, ये होता है स्टूडेंट आपका माइनस 2 sin a + b/2 और sin a - b/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होता है, इसका फॉर्मूला लगा दिया, a ये है आपका, b ये है, सिंपल इसको लिखा -2 sin a क्या है आपका 3π/4 प्लस x प्लस में b जो है आपका वो क्या है 3π/4 माइनस x डिवाइड में क्या होगा स्टूडेंट आपका 2a + b/2 sin a - b/2। तो ये हो गया आपका 3π/4 प्लस एक्स माइनस में आपका ये आ जाएगा 3π/4 माइनस एक्स डिवाइड में आपका 2। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट आपका इस तरह से, फिर आपका -2 sin 3π/4 प्लस 3π/4 क्या होगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा 2 × 3π/4। कैसे, तो 3π/4 प्लस 3π/4, अब कैल्शियम क्या आएगा, 4 ही आएगा, 3π + 3π क्या आ गया, 2 बार 3π आ गया, by 4 यानी कि 3π/2। ये हो गया आपका, x से x कैंसिल और आ गया आपका आंसर 3π/2 डिवाइड में 2। फिर साइन ये आप देखो, जब ये खुलेगा आपका पूरा क्या होगा, यहाँ पे होगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस में 3π/4 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2, ये आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा 2x, फिर -2 sin 3π/4। अब क्या है आपका, यहाँ पे आ गया sin 2x/2, 2 से 2 कैंसिल। तो साइन एक्स तो आपका आ गया यहाँ पे, साइन एक्स ये था। अब यहाँ पे देखते हैं sin 3π/4 क्या है। ठीक है, sin 3π/4 क्या होता है, तो आप जैसे जानते हो ये रेडियन है, डिग्री में आपका ये कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। तो -2 sin, अगर मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँ, ऐसे ही कर देता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, π - π/4 इस तरह से लिख सकता हूँ, है कि नहीं है, पाई माइनस दिख रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, π - π/4। अब ये देखो आपका पाई क्या है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ, पाई क्या है, मतलब आपका 180 तक गया और 180 में आपका 45 माइनस किया, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, साइन एक्स आया, तो आपका साइन पॉजिटिव होता है, प्लस में आपका जब पाई रहता है, पाई यानी पाई या फिर 2π या फिर 0, उस टाइम पे आपका साइन चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा π/4। इसके आगे नेगेटिव भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, इसी वजह से। ये हो गया साइन एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, साइन π/4, साइन 45 कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है आपका -2 × 1/√2, साइन 45 1/√2, ये √2 से ये 2 कैंसिल, क्या आया √2, और ये हो गया -√2 sin x। आपको क्या चाहिए था, यही चाहिए था, कहानी खत्म, किस्सा खत्म। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, एंगल के हिसाब से देखो कैसे, जैसे 3π/4 को क्या लिखा 135, फिर इसको लिख दिया आपका क्या 19 × 1 + 45, 1 है यहाँ पे ऑड है, तो साइन का किस में चेंज, कॉस में, लेकिन साइन क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपका यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, तो 90 में आपका 45 ऐड हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन को पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव होता है, क्या आ जाएगा cos 45, क्या वैल्यू उसकी 1/√2। तो आप चाहो रेडियन से भी कर सकते हो या डिग्री से भी आप
कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ देख लो स्टूडेंट, दिख रहा है आपको सही से, मैं इसको वाइप आउट कर देता हूँ फिर आपका ट्वेल्थ कराता हूँ। देखिए नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। देखिए स्टूडेंट आपका यहाँ पे ट्वेल्थ क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू, आपको क्या प्रूव करना है, sin 2x और sin 10x। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। क्या ये क्या है आपका, इसको मान लिया आपने एक x और इसको क्या मान लिया y। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, यानी कि मैंने ये ले लिया x, ये हो गया y, तो क्या आ जाएगा मेरा, आ जाएगा साइन 6x प्लस में 4x और साइन 6x माइनस में 4x, क्या आ गया साइन 10x आ गया और ये क्या आ गया साइन 2x। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड भी यही है, लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बड़े आराम से। 13th भी देख लो, 13th भी इसी का भाई है, इस तरह से होगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल्स टू आपका साइन 4x साइन 8x, तो ये है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कॉस स्क्वायर आपको हो गया, इसको हम x ले लेते हैं। जनरली हम x कौन सा लेते हैं, जो बड़ा है आपका या फिर जो पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव में आता है वो या फिर बड़ा है वो। तो मैं इसको क्या करता हूँ y ले लेता हूँ और इसको आपका x ले लेता हूँ, ध्यान देना बस मैंने ये चेंज किया है। तो फॉर्मूला किस हिसाब से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। आपको हो गया फर्क, तो ऊपर वाले से कुछ नहीं आया, फर्क आया कहाँ पे, ये जो आप चीज है आपकी वो क्या है x है, यहाँ पे ये जो चीज थी वो क्या थी y थी, किसके बाद माइनस के बाद, यहाँ भी माइनस के बाद, ध्यान देना उससे क्या होगा, क्योंकि साइन जो होता है वो आपका क्या होता है साइन माइनस x माइनस साइन x, तो इस चीज का फर्क कर देता, यानी कि आपका cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये क्या आ जाएगा साइन 2x प्लस में 6x, यानी y प्लस x आया और यहाँ पे क्या आना है x माइनस वाई, x क्या है 6x माइनस में 2x, क्या हो गया साइन 8x साइन 4x, यही है LHS इक्वल्स टू RHS। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 12th 13th हो गया आपका, 14th भी इसी तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला देख लेना, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना यहाँ पे माइंड। तो ये देखो आपका 12th 13th हो गया, 14th देखो, फोर्टींथ है आपका कॉस साइन 2x साइन 2x प्लस में आपका 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस में आपका साइन 6x साइन 6x, क्या बराबर करना है, बराबर करना 4 कॉस स्क्वायर x 4 कॉस स्क्वायर x साइन क्या चाहिए 4x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, इसको मैं पूरा लिखूंगा क्यों अभी पता चल जाएगा आपको। तो साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x प्लस में साइन 6x। अब देखो एक चीज स्टूडेंट, आप यहाँ पे अगर क्या होता है यहाँ पे आपका कि ये साइन 2x प्लस साइन 6x लिया, तो साइन a प्लस साइन b क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2, ठीक है ले लें इसको,
कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी। या फिर इसमें एक चीज करते हैं कि बीच वाला क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, दो बार साइन 4x है, एक बार यहां लिख दिया एक बार यहां पे लिख दिया। तो इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक बार आप इसको ट्राई करना और फिर आपको यहाँ क्या आ जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, तो आपका आ जाएगा टू साइन 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसको रहने दो, इसको आप ट्राई करना इस तरह से। मैं इसको आपका डायरेक्ट आपके लिए कराता हूँ, साइन 2x प्लस में इसको लिख दिया साइन 4x प्लस में साइन 4x प्लस में आपका साइन 6x। अब जो बड़ा वाला है उसको जनरली आप क्या करो, पहले लिख लो, छोटा छोटे वाले को आप क्या करो बाद में लिख दो, प्लस में साइन 6x। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी, टू साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होता अगर आपका छोटे वाला पहले होता बाद में आपका 4x होता तो भी कॉस माइनस कुछ आता, तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस ही होता, ठीक है। तो बस एक कर्टिसी के लिए मैंने ऐसे कर दिया, टू साइन ए प्लस बी बाय टू, ये हो जाएगा आपका टू साइन ए प्लस बी बाय टू और कॉस कॉस ए माइनस बी बाय टू, ठीक है। तो यहां देखिए आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, ठीक है, गड़बड़ आ रही है, कुछ ना कुछ कुछ गड़बड़ वैसे है नहीं, देखो क्या होगा। तो 2 साइन ये क्या हो जाएगा 6 एक्स वाई, ये 3 एक्स हो गया और ये हो गया cos x, क्योंकि 4 एक्स माइनस 2 एक्स वाई एक्स, ये आपका cos x प्लस में 2 साइन 5x, ठीक है। तो 2 साइन 5x यहाँ पे क्या आ गया cos 6x माइनस 4x बाई टू, तो ये हो गया cos x। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, 2 cos x कॉमन है, क्या बचेगा sin 5x पहले लिख लो, प्लस में आपका sin 3x बाद में लिख लो, फिर आपका sin a प्लस sin b फिर से है आपका, तो क्या हो जाएगा 2 sin a प्लस b by 2 और cos a माइनस b by 2, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 cos x sin 8x by 2 sin 4x और cos 2x by 2 क्या हो जाएगा cos x, तो 4 cos x मल्टीप्लाई cos x 4 cos square x sin 4x, वहां पे देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया LHS equals to RHS। आप इसको एक बार ट्राई करना, इन दोनों को लिया और फिर करके देखना, वो भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका इस वीडियो का लास्ट सवाल है, ये वाला 15th देखिए, फिफ्टींथ है आपका कॉट 4x ब्रैकेट में, फिफ्टींथ कॉट 4x ब्रैकेट में आपका साइन 5x प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 3x किसके बराबर होगा, कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ देख ले cot 4x है, यहाँ cot x है, ये ऐसा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट जिसमें LHS भी आपको अलग करना पड़ेगा, RHS अलग करना पड़ेगा और फिर आपका क्या होगा सॉल्व होगा। तो देखो कैसे, तो आपका LHS लिया cot 4x, तो यहाँ पे साइन और साइन में ही है, इसको भी क्या करो cos by sin कर दो, तो cos 4x by sin 4x, ये हो जाएगा sin 5x प्लस में sin 3x, cos 4x by sin 4x as it is ऐसे ही लिखा। फिर देखो आपका क्या है sin a plus sin b, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे cos 4x by sin 4x, ये हो गया आपका 2 sin 8x by 2 4x cos 2x by 2 cos x, ये साइन 4x साइन 4x कैंसिल, क्या आ गया 2 cos 4x cos x,
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें राइट हैंड साइड होगा आपका कॉट एक्स मल्टीप्लाई में क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसको कैसे कर देंगे, इसको लिख देंगे कॉस एक्स वाई साइन एक्स साइन ए माइनस साइन बी टू साइन क्या होगा साइन ए माइनस साइन बी, बताओ क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू और साइन ए माइनस बी बाय टू। ठीक है, मेरे को क्लासरूम की आदत लगी है, बताओ क्या होगा, आप क्या बताओगे फोन के थ्रू कुछ और बताते होंगे किसी को, चलो छोड़ो जाने दो। 5x प्लस 3x 8x बाई टू कॉस 4x साइन 5x माइनस 3x बाई टू 2x बाई टू आपका क्या होगा, ये हो जाएगा साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल, क्या आ गया 2 कॉस 4x कॉस x। तो आपका जो एल एच एस है वही क्या है स्टूडेंट आर एच एस है, बहुत ईजी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत है तो हमें बताएं हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी वीडियो आपकी, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक ऐसी वीडियो आती रहेगी आगे है, ठीक है आती रहेंगी आपकी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, आपका ही चैनल का नाम सेशन, या अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में प्लीज़ आप कमेंट करो, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपका, अपना यानी अपना नंबर दे रखा है, आपका नहीं अपना नंबर दे रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर मैंने मेल प्रोवाइड कर रखा है अपना मेल, तो उसमें भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।